15 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज थी, लेकिन राजधानी दिल्ली पर अब बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कब्जा कर चुके हैं। बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है, यानी आउट हो चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी की हार की जिम्मेदारी हालांकि आदेश गुप्ता ने ली है। आदेश गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा पत्र भेजा और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया है। अब ये देखना होगा, बीजेपी जब राजधानी दिल्ली में हारी है तो आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया है, अब हिमाचल में जो बीजेपी हारी है, क्या अनुराग ठाकुर इस्तीफा देंगे या ये कह सकते हैं जेपी नड्डा इस्तीफा देंगे, कौन इस्तीफा देगा? तो कहीं ना कहीं सत्ता की हार और उसके बाद परेशानियां बीजेपी में बढ़ी है और इस वजह से आदेश गुप्ता ने साफ पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमारी गलती है कि हम हार चुके हैं। अपने ही घर में आदेश गुप्ता हार गए, अपने ही इलाके में आदेश गुप्ता हार चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आदेश गुप्ता आगे क्या करते हैं, क्या प्लानिंग है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में जेपी नड्डा इस्तीफा देते हैं क्योंकि हिमाचल में हार हुई है, और या फिर अनुराग ठाकुर इस्तीफा देते हैं क्योंकि इस्तीफा कोई एक दे सकते हैं या फिर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हिमाचल में हार, एमसीडी में हार को न्यूज चैनल उस हिसाब से नहीं दिखाया जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात को दिखाया जा रहा है। जी हां, आंसू पोंछने का काम कई पत्रकार कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं, वही पत्रकार यानी सुधीर चौधरी, इन्होंने कहा था कि पैसे वाले और कोठी वाले लोग बीजेपी को वोट करते हैं एमसीडी चुनाव में हार के बाद की बात कर रही हूं मैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अलग वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं या मुसलमान हैं या पिछली जाति के हैं, वो किसे वोट करते हैं? वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ये एक पत्रकार यानी सुधीर चौधरी ने कहा था कि सारे गरीब तबके के लोग कांग्रेस को वोट दे गए। इस पर सवाल है, और सुधीर चौधरी को चाहिए कि अब जितने भी कोठी वाले लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी रईस लोग हैं, सबको वो जाकर बोले, टेलीफोन के जरिए बोले, बात करके बात करें कि जो भी वोट आप पैसे वाले लोग देंगे वो सिर्फ बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी सत्ता से बाहर, एमसीडी से बाहर हो चुकी है, राजधानी दिल्ली में 15 साल के बाद क्लीन आउट बिल्कुल। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। यह भी तय है कि आने वाले वक्त में इस्तीफा जरूर होगा हिमाचल प्रदेश से भी।